नर्मदे हर महेश्वर में यह प्रसिद्ध मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे। नर्मदे हर श्री राज राजेश्वर मंदिर, नर्मदे हर महेश्वर में अन्य क्षेत्र और रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर नर्मदे हर महेश्वर में 11 ज्योति जलती है, जो कि अखंड ज्योति के नाम से जाना जाता है। महेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है, राज राजेश्वर मंदिर, जो आप देख रहे हो पीछे ये राज राजेश्वर मंदिर है। यहाँ पर यह मंदिर है राज राजेश्वर, यहाँ पर 11 अखंड ज्योतियाँ जलती हैं। आप यहाँ पर महेश्वर में जरूर आए और ऐसे मंदिरों को दर्शन करें। नर्मदे हर यहाँ पर गणेश मंदिर भी है, बहुत ही पुराने मंदिर है। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। नर्मदे हर सभी ये मंदिर यहाँ पर एक ही जगह बने हुए हैं और बहुत ही पुराने और प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर जरूर आए और माँ नर्मदा जी के तट पर स्नान करके इन मंदिरों के दर्शन करें। नर्मदे हर यह सूर्य नारायण मंदिर है। नर्मदे हर श्री राम दंत मंदिर महेश्वर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर एवं राजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। नर्मदे हर आप सभी का महेश्वर में बहुत बहुत स्वागत है। हम महेश्वर के राजवाड़े में आ चुके हैं। यहाँ पर माँ अहिल्या देवी का एक बहुत ही सुंदर महल बना हुआ है। नर्मदे हर यह शस्त्र उसी समय के है जो युद्ध के समय काम में आते थे। ये आप देख पा रहे हो बंदूक और तलवारें, बहुत ही पुराने समय की तलवार। और यह है पालकी, जहाँ पर माता रानी बैठ के जाते थे। बहुत ही प्राचीन यह महल बना हुआ है। यहाँ पर राजगद्दी में माता अहिल्या देवी बैठकर अपने कार्य करते थे। नर्मदे हर यहाँ पर साड़ियाँ बनाई जाती हैं, आप देख सकते हो हाथ से साड़ी की कारीगरी
यहाँ पर होती है। यहाँ पर अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी जो बनाई गई थी यहाँ पर शूट, यही वह मकान दिखाया गया था अक्षय कुमार का पैडमैन मूवी में। महेश्वर इन्हीं मंदिरों से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अहिल्या देवी ने बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया था। आप महेश्वर आओ तो ये मंदिर जरूर देखें। यह नर्मदा जी के तट पर बने हुए हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर और बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत ही सुंदर यह राम मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर महल मंदिर बना हुआ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सामने आप देख रहे हो यहाँ पर यमला पगला दीवाना मूवी जो कि यहाँ पर शूट हुई थी। यहाँ पर कई सारी मूवी ऐसी बन चुकी है जैसे दबंग, यमला पगला 2, यमला पगला 1, ऐसी कई सारी मूवी। महेश्वर में हम देख रहे हैं यहाँ पर कई सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है जैसे यमला पगला 1, यमला पगला दीवाना 2 और यहाँ पर अभी दबंग 3 का गाना शूट हुआ था और पैडमैन मूवी यहाँ पर अक्षय कुमार साइकिल चलाते दिखते हैं। नई मूवी में सोनाक्षी सिन्हा का एक देवर में एक सॉन्ग भी यहीं पर शूट हुआ था, आप देख पा रहे होंगे। देवर मूवी का गाना यहीं पर शूट हुआ था और ऐसे बहुत सारी मूवी है। अशोका है जिसमें शाहरुख खान की मूवी भी यहाँ पर शूट हुई थी। बहुत सारी मूवी है यहाँ पर बन चुकी है। आप महेश्वर में आकर देखोगे नर्मदा जी के जस्ट तट पर बना हुआ है ये महल, रानी राजमाता जी ने बनवाया था। नर्मदे हर, नर्मदे। यहाँ से पूरा महल दिखता है। राजमाता अहिल्या देवी ने यह महल बनवाया था। ये महेश्वर में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक दृश्य है, बिल्कुल नर्मदा जी के तट पर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर कारीगरी है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर मंदिर भी। और ये महल बहुत ही पुराने समय के हैं, आप देख पा रहे होंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महेश्वर से हम निकल चुके हैं मंडलेश्वर की ओर। महेश्वर बहुत ही सुंदर, यहाँ पर राजमाता ने महल और मंदिरें बनवा रखी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। नर्मदे हर। मंडलेश्वर की यहाँ से दूरी 8 किलोमीटर बताई जा रही है। नर्मदे हर। यहाँ पर मंडलेश्वर में यह आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर रुकने की और अन्य क्षेत्र की पूरी सुविधा है। नर्मदे हर। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। मंडलेश्वर में मां नर्मदा जी महेश्वर जैसा ही पास में है। नर्मदा जी के यहाँ पर स्नान करके हम राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मंडलेश्वर में राम मंदिर बना हुआ है। मंडलेश्वर में भी कई सारी धर्मशाला बनी हुई है।
यहाँ पर भी आप रात्रि विश्राम और भोजन प्रसादी प्राप्त कर सकते हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महा श्री यह है राम मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय जय श्री राम। बहुत ही पुराना मंदिर है यहाँ पर राम जी का, और सीता मैया लक्ष्मण जी सभी साथ हैं, साथ में विराजमान है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मंडलेश्वर में भी बहुत ही सुंदर विशाल घाट बना हुआ है, यहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सुंदर माता जी का घाट, नर्मदा जी घाट बनाया हुआ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यह शिव मंदिर है, नर्मदे जी की जय हो। राम मंदिर, शिव मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा घाट बनाया है मंडलेश्वर में। नर्मदे हर। बहुत सारे बंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ बंदर मामा उधर झाड़ियों पे भी बैठे हुए हैं। नर्मदे हर। इस प्रकार से है सीता वन, आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। यही जंगल से हम निकल कर जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये नर्मदा जी के तट पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर सीता माता के दो पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। ये लव कुश का जन्म स्थान है, यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। बहुत ही सुंदर और सकुन भरा पल है ये। अभी पहाड़ी शायद यहाँ गिर चुकी है, इसकी वजह से अंदर की ओर नहीं जा। नर्मदे हर। जब भगवान राम ने सीता माता को त्यागा था, तब माँ सीता यहीं पर आकर रुके थे। यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध ये स्थान है, और आज शायद यहाँ पर यह स्थान पिपरी के पास देवास जिले में आता है। यहाँ पर आप रेवा कुंड ये देख सकते हो, यहाँ पर रेवा कुंड भी है। यहाँ पर पूनम के समय मेला लगता है और शिवरात्रि तक चलता है। आप यहाँ पर जब भी आओ तो पिपरी का रास्ता होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ आश्रम में बाबा सेवा देते हैं, और यहाँ पर रुकने और अन्य क्षेत्र की पूरी सुविधा होती है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भी अन्य क्षेत्र और रुकने की सुविधा होती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
एक किलोमीटर अब बचा है जयंती माता मंदिर। यहाँ पर लकड़ी का पुल बना हुआ है, इसी को पार करके हम जयंती माता मंदिर जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। भैरव बाबा गुफा में हम आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर गुफा है। ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बरसात हो रही है। हाँ बरसात हो रही है, इसलिए भी कह रहा था यही नहाने में स्नान करने का मौका। हम आ गए थे भैरव गुफा। बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ पर भैरव गुफा में। भैरव बाबा गुफा में है, आप देख सकते हो कितना सुंदर नजारा। चलो वहाँ पे माता रानी की इच्छा है। नहीं जाते नहीं आएंगे, वहाँ बहुत ही दुख होगा। सर बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ पर भैरव बाबा गुफा में, आप देख सकते हो। और अगर आप नर्मदा परिक्रमा करते हो और सीताबंद आते हो तो यहाँ जरूर आए, यहाँ पर आप रात्रि विश्राम कर सकते हो। जयंती माता मंदिर में आप धर्मशाला है, अन्य क्षेत्र की सुविधा है, और रात्रि विश्राम आप यहीं कर सकते हो। और यहाँ पर फिर आप हरे भरे जंगल का नजारा ले सकते हो। यहाँ पर बंदर ही बंदर दिखते हैं। हाँ हाँ तो जयंती माता लालो हम। हाँ तो उधर सकाई लग कर तोड़